री एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर यदि आप नए हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग जो भारत में बैंकिंग व्यवस्था के बारे में जो है अध्ययन करेंगे। बैंकिंग व्यवस्था यानी कि मॉनिटरी पॉलिसी के अंतर्गत जो आरबीआई के द्वारा नीति बनाई जाती है, उसमें हम लोग जो है आरबीआई, उसके कार्य, इसके पूर्व में जो है बैंकों की स्थापना, बैंकों के विकास, बैंकों के कार्य इत्यादि का जो है अध्ययन करते हैं। तो चूंकि बैंक के अंतर्गत जो शीर्ष पर आरबीआई है और उसी के द्वारा मौद्रिक नीति का निर्माण किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम बैंकों के विकास और आरबीआई की स्थापना तथा उसके कुछ कार्यों को भी जो देखेंगे, जो कि न केवल तथ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि जो है अवधारणात्मक स्तर पर यह परीक्षा में जो है आपके हाथ को मजबूत बनाता है। तो बैंकिंग व्यवस्था को हम आज के इस लेक्चर में जो है सम्मिलित करते हैं। बेसिकली बैंकों को अगर देखा जाए तो बहुत ही पहले से भारत में जो है मुद्रा के रूप में लेन देन किया जाता रहा है, लेकिन उन जो है मुद्रा के रूप में जो धनराशियां होती थी उनको किसी संस्थागत स्तर पर जो है सुरक्षित रूप में रखने के जो है पहल के रूप में जो बैंकों का विकास होता है। और भारत में जो संस्थागत स्तर पर बैंकिंग का जो विकास है वो ब्रिटिश शासनकाल में जो देखने में आता है। ब्रिटिश शासनकाल में जो है संपत्ति की अवधारणा बहुत ही मजबूती के रूप में जो है सामने आई और उसे सुरक्षित और संस्थागत रूप में जो एक स्थान पर रखने के पहल के रूप में जो बैंकों का विकास होता है। चूंकि अंग्रेजों के शासनकाल में अगर देखा जाए तो उनकी आर्थिक गतिविधियों का जो केंद्र था वो तीन महत्वपूर्ण शहरों में जो है विकसित हुआ था, वो है बंगाल, मुंबई और मद्रास। इन तीनों स्थानों पर जो उनकी आर्थिक गतिविधियां होती थी तो लोगों के पास जो है धन हुआ और उन्हीं के जो है आधार पर लोगों की बचतों को सुरक्षित रूप में संस्थागत स्तर पर जो है रखने के लिए जो बैंकों का विकास होता है। तो सबसे पहली बार भारत में जो बैंकिंग व्यवस्था है वो क्रमशः जो है इन तीनों ही जगहों पे, बंगाल में, दूसरा जो है मुंबई में, उस समय इसको बॉम्बे भी कहा जाता था, और फिर कलकत्ता में जिसे आज कोलकाता कहा जाता है, इन तीनों जगहों पे जो है बैंक की सबसे पहली बार जो है शाखा स्थापित की गई और बैंकिंग व्यवस्था अस्तित्व में जो है आती है। बैंक ऑफ बंगाल की जो स्थापना वो 1806 ईस्वी में जो है, यानी कि पहली बार भारत में जो बैंक का उदय होता है वो 1806 ईस्वी में, दूसरा मुंबई में जो है ये आकर के जो है 1840 ईस्वी में, और कलकत्ता में जो है ये 1843 ईस्वी में बैंक स्थापित हुआ है। जब हम बैंकों का विकास पढ़ते हैं तो उसे आर्थिक गतिविधियों के रूप में जो है व्यक्ति की बढ़ी हुई जो कार्यशैली थी, कार्यप्रणाली थी, और उसके बाद बचतों को एक स्थान पर संस्थागत रूप में रखने के तरीके से जो हम लोग अध्ययन करते हैं, और प्रारंभिक स्तर पर इस तरीके के बैंक अस्तित्व में आए तो हमें इन कुछ तथ्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसके आधार पर हम कई अन्य तथ्यों और अवधारणाओं का भी विश्लेषण कर पाने में सक्षम होते हैं। उससे एक इंटरकनेक्टेड जो है अंडरस्टैंडिंग, यानी कि पारस्परिक जो है अंतर संबंधित समझ का विकास होता है। तो इस रूप में जो है बंगाल, मुंबई और कलकत्ता में जो है ये बैंक जो है अस्तित्व में जो है आते हैं। यद्यपि ये बैंकिंग क्षेत्र में बहुत ही सीमित रोल था उस वक्त जो है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से बैंक का विकास माना जा सकता है और माना जाता है। दूसरी तरफ जो है ये बैंक पूरी तरीके से ब्रिटिश शासन के नियंत्रण इत्यादि में जो है चलाए गए थे। पहली बार जो है भारतीयों के द्वारा जो बैंक था वो 1881 ईस्वी में जो है अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना की गई जो है, अवध कॉमर्शियल बैंक की जो है स्थापना की गई। ये तक इसमें जो है भारतीयों के द्वारा जो ये संचालित किया गया था, लेकिन ये सीमित देयता का बैंक था और इसमें विदेशी पूंजी भी जो है सम्मिलित थी, लेकिन ये कहा जाता है भारतीयों के द्वारा संचालित पहला बैंक था। और जो है 1894 ईस्वी में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई, पंजाब जो है नेशनल बैंक की स्थापना की गई, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई 1844 ईस्वी में, जो पूर्ण रूप से भारतीयों के द्वारा संचालित पहला बैंक था। पूर्ण रूप से भारतीयों के द्वारा संचालित जो है पहला बैंक ये था। यद्यपि पहला बैंक जो भारतीयों के द्वारा संचालित अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 ईस्वी में थी, लेकिन इसमें विदेशी पूंजी था, सीमित देयता का नहीं था।
लेकिन पूर्ण रूप से जब पूछा जाता है तो 1894 में पंजाब नेशनल बैंक, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक जो भारत में वर्तमान समय में प्रचलित जो बैंकिंग व्यवस्था उसमें ये वर्तमान समय में अस्तित्व में भी है और ये सबसे पुराना भी बैंक इस तरीके से बनता है जो आज की डेट में वर्किंग में है। यद्यपि ये सारे बैंक किसी न किसी रूप में पहले थे और दूसरे बैंकों में इनको मर्ज कर दिया गया, एक दूसरे में जो उनका विलय कर दिया गया। और इसके बाद जो है 1908 ईस्वी में जो है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, यह भी वर्तमान समय का जो है एक बड़ा बैंक है और अस्तित्व में जो है बैंक ऑफ जो है बड़ौदा। अभी हम लोग बैंकों के विकास के क्रम में उसके क्रम को जो है ऐतिहासिक स्तर पर तथ्यात्मक रूप में देख रहे हैं, जिससे यह पता चलता है कि किस रूप में जो है बैंकों का विकास हुआ है। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जब इसके बीच बीच में भी कुछ छोटे मोटे बैंक स्थापित हुए लेकिन उनका बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्व नहीं है, इसलिए हम ऐतिहासिक विकास क्रम को जो है परीक्षा में पूछे जा सकने वाले जो है प्रश्नों के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहे हैं, यानी कि 1908 ईस्वी में जो है बैंक ऑफ बड़ौदा की जो स्थापना होती है। इसके बाद जो भारत में चेम्बरलिन आयोग गठन किया गया है, जिसके माध्यम से जो है इस बात पर विचार किए जाने लगे कि कुछ ऐसे भी बैंक बनाए जाएं जिसके भी माध्यम से अन्य सभी बैंकों को नियंत्रित किए जाने की केंद्रीय बैंक की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। यद्यपि इसके प्रयास से केंद्रीय बैंक की तो स्थापना नहीं हुई, लेकिन ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक जिसको कहा जाता है इनको जो मिला करके जो है 1921 ईस्वी में जो है इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई, इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई 1921 ईस्वी में जो इंपीरियल बैंक, यानी कि हम क्रमिक रूप से जो है आगे बढ़ रहे हैं। और इस इंपीरियल बैंक को गोरवाला कमेटी के रिकमेंडेशन, गोरवाला कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर 1955 ईस्वी में जो है SBI के रूप में इसकी स्थापना की गई, जो कि वर्तमान समय में जो है देश का सबसे प्रचलित बैंक है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इसी इंपीरियल बैंक का जो है इसको नया नाम दे दिया गया जो है, ये गोरवाला कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर 1955 ईस्वी में जो है स्थापित होता है। अब हम चलते हैं केंद्रीय बैंक की तरफ, यानी कि केंद्रीय बैंक के रूप में हम RBI का अध्ययन करते हैं, जो कि सभी बैंकों के लिए पॉलिसी बनाने के साथ साथ वो देश के लिए जो है एक मॉनिटरी पॉलिसी का भी जो निर्माण करता है। इतनी बातें जो है कुछ तथ्यात्मक भी थी, ऐतिहासिक भी थी, कुछ इसमें क्रमागत विकास आपको दिखाई पड़ता है। इन सभी बातों को समझने की आवश्यकता है जिससे बैंकिंग व्यवस्था के बारे में एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आएगी और यहां से पूछे जाने वाले सवालों को भी आप हल कर पाएंगे। तो हम केंद्रीय बैंक की जो है तरफ बढ़ते हैं, केंद्रीय बैंक के रूप में जैसा कि भीम ने बताया कि 1914 ईस्वी में जो है चेम्बरलिन आयोग की स्थापना हो चुकी थी, चेम्बरलिन जो है आयोग की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन ये इसके माध्यम से केवल इंपीरियल बैंक के ही जिसके प्रयास से हो चुकी। 1926 ईस्वी में आकर के जो है रॉयल कमीशन या हिल्टन यंग आयोग भी उसको जो है बोला जाता है, इसने जो है भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में RBI के नाम का रिकमेंडेशन किया जो है कि इसकी जो है स्थापना होनी चाहिए, इसके नाम का रिकमेंडेशन किया, यानी कि रॉयल कमीशन या हिल्टन यंग आयोग 1926 ईस्वी में जो गठन हुआ था जिसका, उसने केंद्रीय बैंक की आवश्यकता के रूप में RBI के नाम को प्रपोज किया, यानी कि रिकमेंड किया कि इस नाम से एक बैंक स्थापित होना चाहिए। लेकिन 1930 ईस्वी में आकर के केंद्रीय बैंक जांच समिति जो है बनाएगी और इसके रिकमेंडेशन पर जो है RBI की स्थापना हुई, यानी कि RBI के रूप में नाम, एक केंद्रीय बैंक के रूप में RBI के नाम का रिकमेंडेशन रॉयल कमीशन के द्वारा किया गया, लेकिन इसकी स्थापना जो 1930 ईस्वी के केंद्रीय बैंक जांच समिति के रिकमेंडेशन के आधार पर हुआ और RBI एक्ट पारित किया गया, RBI एक्ट 1934 ईस्वी जो है पारित किया गया और इसके जो है आलोक में 1 अप्रैल
1935 ईस्वी से आरबीआई जो है अपना काम करना शुरू किया गया, इसकी स्थापना हो गई। तो ये थे जो है केंद्रीय बैंक की स्थापना तक की एक ऐतिहासिक विकास क्रम, जिसके द्वारा जो है केंद्रीय बैंक की आवश्यकता व्यक्त की गई। केंद्रीय बैंक की स्थापना के लिए विभिन्न कमीशन बनाए गए, जो कि अलग अलग तरीके से अपनी भूमिका अदा करते हैं, अपने रिकमेंडेशन देते हैं, और उन्हीं के आलोक में जो है केंद्रीय बैंक जांच समिति के रिकमेंडेशन और आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत जो है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी से जो है आरबीआई की स्थापना हो गई, अपना काम करना प्रारंभ किया। और 1 जनवरी जो है 1949 ईस्वी को जो है इसका जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इस बैंक का जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया। बेसिकली ये राष्ट्रीय स्तर का जो बैंक था, केंद्रीय बैंक था, समन्वयकारी बैंक था, नीति निर्माता जो है था बैंकिंग क्षेत्र के लिए, तो इसको राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ताकि जो है इस पे सही तरीके से जो है इसके माध्यम से कार्यों को संपादित और संचालित किया जाना संभव हो सके। तो ये थी कहानी कुछ राष्ट्रीय बैंक के रिजर्व बैंक को राष्ट्रीयकृत बैंक बनाने तक की जो है कहानी। तो आपको ये चीजें जो है समझ में आ गई। आरबीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, और 4 जो है इसके उप कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय भी जो है, 4 जो है क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अब इसमें ये ध्यान में रखना होगा कि एक तो मुंबई में ही है, इसलिए ये ना हो कि जो है एक मुंबई में ये स्थापित हो गया, चूंकि ये पूरे देश के लिए काम करता है और उस जोन के लिए एक जोन में बांटा गया है 4 जोन में, तो एक जोन के जो क्षेत्रीय स्तर पर एक कार्यालय के रूप में एक मुंबई ऑलरेडी है, दिल्ली है, चेन्नई है, 4 महानगरी को उसमें शामिल जो किया गया है, तो इसको याद करने के लिए जो है आपको आसानी होगी। तो ये इसके जो है क्षेत्रीय कार्यालय है और मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। तो आरबीआई की स्थापना और उसका मुख्यालय आप काम कर चुके हैं। उसकी वर्किंग प्रणाली बहुत आंतरिक मामला है, जिसपे जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने का बहुत औचित्य नहीं। उसमें डायरेक्टर का एक समूह होता है, इस तरीके से काम होता है, लेकिन वो इनका इंटरनल जो है उसकी इंटरनल बॉडी होती है, वो काम कैसे करती है वो अलग तरीके की एक व्यवस्था होती है। उसमें निदेशकों का समूह होता है, वो अपने स्तर पर काम करते हैं। गवर्नर रिजर्व बैंक में जो है एक आरबीआई के गवर्नर जो होते हैं। तो ये व्यवस्था जिनका की जो है नोटों पर जो है हस्ताक्षर भी होता है, जिसमें ये कहा जाता है कि आरबीआई या सरकार जो है इतने रुपए अदा करने का जो वचन देती है, जितने की मूल्य का जो है उस पे अंकन होता है। तो ये व्यवस्था कुल मिलाकर के होती है। अभी हम नोट निर्गमन में इसको थोड़ा देर बाद ही जो है देखने वाले हैं। तो ये व्यवस्था हो गई केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई की जो स्थापना, उसका जो है मुख्यालय और उसके क्षेत्रीय कार्यालय। अब बैंकों की जो है स्थापना बीच में जो है स्वतंत्रता के बाद भी काफ़ी होती रही, सभी प्राइवेट निजी क्षेत्र में जो काम करते रहे, लेकिन 19 जुलाई 1969 एक्चुअली इसमें डेट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार डेट भी जो है पूछ लिया है, इसलिए कुछ जगहों पर जो है डेट को भी याद रख लेना आवश्यक है। कुछ जो है घटनाओं के संदर्भ में केवल ईयर महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन कुछ जो है घटनाओं के संदर्भ में उसकी तिथि के साथ ईयर महत्वपूर्ण होता है। तो उसी क्रम में जैसे आपका नाबार्ड 12 जुलाई जो है 1982 ईस्वी को स्थापित हुआ, भी सवाल जो पूछे जा चुके हैं। संविधान को लागू कब किया गया, तो इन सभी संदर्भों में तिथि का भी एक महत्व होता है, जो ये बताता है कि उस विषय पर आपकी कितनी बेहतर पकड़ है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कहीं कहीं पर जो है तिथि को भी याद कर लेना जो है जरूरी समझा जाता है, और इसे यदि आप याद करते हैं तो ये माना जाता है कि आपकी जो है उस विषय पर एक बेहतर पकड़ बनी है। तो 19 जुलाई 1969 ईस्वी को जो है 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ये राष्ट्रीयकरण का जो है प्रथम चरण था। द्वितीय चरण में जो है 1980 में जो है इसके 6 अन्य बैंकों को भी जो है राष्ट्रीयकृत कर दिया गया, लेकिन बाद में जो है न्यू बैंक ऑफ इंडिया को जो है पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज कर दिया गया। न्यू बैंक ऑफ इंडिया को जो है पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज कर दिया गया। तो ये जो है बैंकों के राष्ट्रीयकरण से जुड़ी हुई 3 महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स है, जो कि 19 जुलाई 1969 ईस्वी में 14 बैंकों के रूप में राष्ट्रीयकरण होता है, और इसी में 1980 ईस्वी में इसके दूसरे राष्ट्रीयकरण के जो चरण में जो 6 बैंकों का किया जाता है, और 1993 ईस्वी में न्यू बैंक का जो है
1993 में न्यू बैंक को पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज भी कर दिया जाता है। ये व्यवस्था है बैंकों के संदर्भ में। और आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसके बाहर जो है अलग तरीके की बैंक के रूप में जो रेगुलेट होती है। और आज भी आप लोग देखते होंगे कि अगर बैंकों के लिए जो है IBPS या इस तरीके की परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं तो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने तरीके से जो है अपने पदों पर भर्ती करने के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है। यानी कि उसके रूल्स रेगुलेशन जो है थोड़े से डिफरेंट है। यद्यपि वो भी एक सार्वजनिक बैंक है, वाणिज्यिक जो है बैंक है, और वो RBI के द्वारा बनाए गए पॉलिसीज को जो है अपनाता है। तो ये रही जो है बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में एक थोड़ी सी जो है जानकारी। अब चूंकि केंद्रीय बैंक के रूप में जो है RBI की स्थापना हो चुकी है, तो हम थोड़ा सा जो है RBI के कार्य को भी देखेंगे, क्योंकि RBI के कार्य जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से परीक्षा में भी सवाल पूछे जाते हैं। अभी तक का जो हम लोगों ने जो है बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत अध्ययन किया वो प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण ज्यादा था। ये तब समझ आपके पास होनी चाहिए, इसीलिए एक कहानी के रूप में जो क्रमागत ऐतिहासिक रूप में हम लोगों ने उसका अध्ययन किया ताकि एक दिमाग में आपके इमेज बन सके। लेकिन अभी हम RBI के कुछ कार्य देखेंगे, क्योंकि एक सेंट्रल बैंक है, यानी कि एक नीति निर्धारक बैंक है, इसलिए जो है उसका कार्य जो है आपके परीक्षा के लिए भी और बैंकिंग व्यवस्था के बारे में समझ पैदा के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो RBI के जो है कार्य, अब RBI के कार्य जो इसका सबसे पहला कार्य है वो नोट का निर्गमन करना, इसका जो है महत्वपूर्ण कार्य है नोट का निर्गमन। अब नोट का निर्गमन से जो है तात्पर्य नोट की जो है छपाई करना होता है। पूर्व में जो है RBI आनुपातिक कोष पद्धति के माध्यम से नोट का निर्गमन करती थी, लेकिन 1956 में आ करके जो है इसके द्वारा जो है न्यूनतम कोष पद्धति के आधार पर नोट का निर्गमन किया जाने लगा और एक न्यूनतम कोष को बनाए रखने की जो बात कही गई, और इसके अंतर्गत वर्तमान समय में 200 करोड़ रुपए के जो है रिजर्व की बात कही गई। इसमें से 115 करोड़ का सोना और जो है 85 करोड़ रुपए का जो विदेशी जो है मुद्रा की बात कही गई। विदेशी मुद्रा 85 करोड़ का और 115 करोड़ का जो है 115 करोड़ का जो है सोना जो है होना आवश्यक है। इसके आधार पर नोट का निर्गमन किया जाता है। बेसिकली नोट के निर्गमन में सरकार अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और आय को बढ़ाने के लिए असीमित रूप से मुद्रा का निर्गमन नहीं कर सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जितनी भी वस्तु और सेवाएं देश में विद्यमान होती हैं उन्हीं के मूल्य के सापेक्ष ही जो है मुद्रा की छपाई की जा सकती है, ताकि दोनों में एक संतुलन बना रहे। यदि एक निश्चित सीमा से ज्यादा मुद्रा की छपाई कर दी जाती है तो इससे मुद्रा का मूल्य घट जाएगा और इसी को इन्फ्लेशन यानी कि जो है मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो वस्तु और सेवाओं की देश में विद्यमान व्यवस्था के सापेक्ष ही जो है मुद्रा की जो छपाई की जा सकती है। तो ये संवेदनशील और देश का बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक कार्य जो है वो RBI के स्तर पर संपादित और संचालित होता है। तो ये व्यवस्था हो गई जो है नोट के निर्गमन के संदर्भ में। अब इसमें नोटों में RBI के द्वारा इसका निर्गमन किया जाता है, लेकिन 1 रुपए के नोट और जो सिक्के इत्यादि जो है वो भारत सरकार के द्वारा जो है बनाए जाते हैं, उसको छपाई की जाती है। और 1 रुपए के नोट पर जो है वो वित्त मंत्रालय की तरफ से उसकी छपाई होती है, वित्त मंत्री के जो है उस पर हस्ताक्षर अंकित होते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है ये जो है सरकार के जो है बैंक के रूप में काम करती है, सरकार के बैंक के रूप में, सरकार के बैंक के रूप में भी जो है ये कार्य करती है। इसका तात्पर्य क्या है, जैसे ये बैंकों के लिए काम करती है, देश में नीतियों को बनाने के लिए काम करती है, उसी तरीके से जो है ये सरकार के बैंक के रूप में। तब जैसे जनता होती है वाणिज्यिक बैंकों से लोन ले लेती है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक है, BOB है, इंडियन बैंक है, ये सारी चीजें बैंकों, लेकिन सरकार जो है वो सीधा RBI से जो है डील करता है। तो जब बजट घाटे बढ़ जाते हैं तो उस समय बजट घाटे को पूरा करने के लिए ये जो है RBI के माध्यम से ऋण लेता है। और 1997 के पूर्व में जो है एक दूसरी व्यवस्था थी, घाटे की वित्त व्यवस्था या हीनार्थ प्रबंधन जिसको कहते थे, और 1997 के बाद में जो है अर्थोपाय अग्रिम की जो व्यवस्था की जाती है, जिसमें RBI और सरकार के बीच में जो समझौता होता है कि एक निश्चित जो है धनराशि वो एक निश्चित समय में जो खर्च करेगी, जिसके बदले सरकार को ब्याज भी देना पड़ता है RBI को। तो ऐसी स्थिति में जो है 1997 अर्थोपाय अग्रिम के रूप में जो है बजट घाटे को पूरा करने के लिए जो है काम करता है। और ये बैंकों के बैंक
बैंकों के बैंक के रूप में भी काम करता है, बैंकों के बैंक के रूप में भी जो है ये काम करता है। इसका तात्पर्य है दो रूपों में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण रूप में जो है स्पष्ट होती है। एक तो यह ऋण भी देता है उनके प्रतिभूतियों के जो है बदले या उनके जमा पूंजी के जो है एवज में जो है वो उनको ऋण भी देता है, और ऋण अलग अलग तरीके है, हम आगे इस पे जो है चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में, बहुत ही डिटेल में उस पे चर्चा की जाएगी, उसके कई तरीके जो होते हैं, अल्पकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण के जो माध्यम से जो है इसमें। और दूसरा जो है ये साख का नियंत्रण करता है, साख का नियंत्रण जो है वो किस तरीके से करता है उसके भी कई जो है तरीके हैं, इसमें BRR यानी वेरिएबल्स रिजर्व रेशियो के माध्यम से इस पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है, जिसके रूप में जो है CRR, और दूसरा है जो है SLR, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि सांविधिक तरलता अनुपात, और कैश रिजर्व रेशियो नगद आरक्षी अनुपात। यहां से सवाल भी परीक्षा में अक्सर जो पूछे जाते हैं, कैश रिजर्व रेशियो यानी कि नगद के रूप में प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को जो है, या जो RBI की जो है दूसरी अनुसूची में जो समृद्ध बैंक है उनको जो है अपने संपूर्ण जो है नगद का एक निश्चित जो है मात्रा में जो है RBI के पास रखना पड़ता है। और जब RBI को ऐसा लगता है कि देश में फ्लो ज्यादा हो गया है कैश का, या तरलता अति हो गई है, या तरलता बढ़ गई है जिससे इन्फ्लेशन बढ़ने का डर है, मुद्रा का मूल्य घटने का डर है, तो ऐसी स्थिति में जो है वो CRR को बढ़ा देता है, कुछ ही पॉइंट में बढ़ाता है, तो जिससे अर्थव्यवस्था से पैसा निकल जाकर RBI के पास जो है डंप होता है, और वो तरलता को नियंत्रित करने के लिए जो है इस माध्यम का प्रयोग करती है। दूसरा है स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, जो कि तरल रूप में होता है यानी कि सोना और विदेशी मुद्रा के रूप में होता है, इसे बैंक अपने ही पास रखता है, और ये जो है वो RBI के पास रखता है, तो इसके माध्यम से तरलता को नियंत्रित करने में जो है उसे मदद मिलती है। और दूसरा मैंने बताया कि वो बैंक जो है वो ऋण भी उसको जो देने का काम करती है। अगली महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो कृषि के क्षेत्र में है। देश की जो है जनसंख्या अभी भी जो है आधे से ज्यादा जनसंख्या कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है, कृषि में रोजगार प्राप्त करता है, अपने जो जीविका का आधार बनाए हुए है, इसलिए देश के विकास में हम इस बड़े और महत्वपूर्ण क्षेत्र को नहीं छोड़ सकते हैं, यानी कि इसका विकास देश के जो है संपूर्ण विकास और समृद्धि के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कृषि के विकास के लिए ये अपना जो है निरंतर ध्यान केंद्रित करती है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के रूप में जो है सरकार के द्वारा भी जो है कृषि को जो है समृद्ध किया जा चुका है, जहां पर संपूर्ण जो है बैंक सरकारी निजी दोनों ही प्रकार के बैंकों को अपने समस्त ऋण का 40% यहां पर इसके विकास के लिए खर्च करना होता है, तो कृषि के विकास के लिए यहां पर काम करते हैं। दूसरी तरफ जो इसमें नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया है, यानी कि कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास का ये जो बैंक है जिसके द्वारा जो है ग्रामीण क्षेत्रों में और कृषि के क्षेत्र के संबंधित जो है बैंकों के लिए और वित्तीय संस्थाओं के लिए वित्तीय का कार्य इसके द्वारा जो है किया जाता है, और इसके लिए जो नीतियां बनाई जाती हैं, तो इस तरीके से जो RBI और नाबार्ड दोनों ही कृषि के विकास के लिए जो काम कर रहे हैं, तो RBI की इस क्षेत्र में भी जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगली महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है औद्योगिक विकास के लिए, जब हम आर्थिक गतिविधियों को पढ़ते हैं तो वहां पर जो है कृषि के बाद दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र जो औद्योगिक क्षेत्र होता है, जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में जो पूंजी की आवश्यकता होती है, और किसी एक पक्ष या फर्म या इकाई या पूंजीपति के द्वारा उसकी संपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता है, इसीलिए जो है अभी हम देखेंगे जो है दूसरे जब पूंजी बाजार का अध्ययन करेंगे तो वहां पे भी जो है ऋण लेने के माध्यम होते हैं, लेकिन यहां से संस्था के स्तर पर जो ऋण होते हैं वो यहां से भी दिए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है राज्य वित्त निगम या औद्योगिक वित्त निगम जैसी संस्थाएं स्थापित की गई हैं जिनको जो है वित्तीय का काम RBI अपने स्तर से जो करता है, और इनके क्षेत्र में विकास के लिए नीतियों का निर्माण करता है, ताकि एक विनियमित रूप में एक रेगुलेटेड फॉर्म में जो है ये वित्तीय संस्थाएं जो है औद्योगिक विकास के क्षेत्र में जो काम कर सके, तो औद्योगिक क्षेत्र में भी इसका एक महत्वपूर्ण जो है रोल होता है। अगला है समाशोधन गृह के रूप में, क्लियरेंस हाउस के रूप में, चूंकि ये केंद्रीय बैंक है तो इसलिए एक ऐसी प्लेटफॉर्म, एक ऐसा जो है प्लेटफॉर्म और एक ऐसी व्यवस्था उपलब्ध करवाता है जिससे विभिन्न बैंकों के चेक जो है एक दूसरे में जो है ट्रांसफर हो सके, उन्हें जो है नगद में जो भुगतान किया जा सके, तो ये क्लियरेंस हाउस की भी एक सुविधा प्रदान करता है। दूसरा विनिमय दर को जो है नियंत्रित करना,
यानी कि विदेशी मुद्रा का जो क्रय विक्रय होता है विदेशी मुद्रा बाजार के जो है माध्यम से, तो वहां पर नियंत्रण भी आरबीआई के द्वारा जो है किया जाता है। विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार व्यवस्था का विकास भी जो है इसके माध्यम से किया जाता है और विदेशी मुद्रा विनिमय की दर को भी नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है ताकि किसी भी तरीके से अनधिकृत माध्यम से इसमें कारोबार ना हो सके, उसको जो है नियंत्रित किया जाना संभव हो सके। तो ये व्यवस्था आपकी जो है होती है क्लियरेंस विनिमय दर की व्यवस्था को नियंत्रित करना। अगला महत्वपूर्ण जो काम है वो कुछ आरबीआई जो है आर्थिक गतिविधियों से संबंधित जो आंकड़ों को भी जो है प्रकाशित करता है, मुद्रा से संबंधित आर्थिक गतिविधियों से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करना, उसको प्रकाशित करना जो काम होता है ताकि जनता की विभिन्न प्रकार के जो है आर्थिक क्षेत्रों में लगे हुए व्यक्तियों को अर्थव्यवस्था के बारे में बेहतर समझ पैदा हो सके। तो कुल मिलाकर के जो है ये बातें आपको समझ में आई होंगी कि बैंकिंग व्यवस्था का किस तरीके से जो विकास हुआ है, केंद्रीय बैंक की स्थापना कैसे हुई, राष्ट्रीयकरण कैसे हुआ है और आरबीआई के द्वारा जो है किस तरीके से जो है बैंकिंग के क्षेत्र में अपनी भूमिका अदा की जाती है। अब मौद्रिक नीति के रूप में जो है वो साख सृजन को किस तरीके से नियंत्रित करता है हम अगले लेक्चर में जो है चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत ही डिटेल है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। वही आरबीआई का जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है मौद्रिक नीति के अंतर्गत जो है एक हथियार के रूप में जो प्रयोग होता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही जो है हम लोग अध्ययन करते हैं। आप अपने अन्य विषयों के साथ जो है बेहतर तरीके से बेहतर ढंग से जो है अपनी तैयारी जारी रखिए। पुनः अगले लेक्चर में जो है हम साख सृजन को नियंत्रित करने के रूप में जो है आरबीआई के जो है दूसरे महत्वपूर्ण जो है कार्य को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।